सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। खबर शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्क्रीन के इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब हुआ इसका भला? इसलिए एक बार फिर लेकर आ गए हैं हम लल्लन टॉप अड्डा, एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकाल लीजिए और पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सूचना समाप्त, अब शुरू करते हैं आज का शो। विश्व कप क्रिकेट का टीम के कॉम्बिनेशन बनाने में जनता मशगूल है, लेकिन उससे बड़ा हिसाब किताब चल रहा है पर्दे के पीछे। आगे जहां क्रिकेट खेला जा रहा है वहीं पीछे चल रहा है कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा, पैसे का खेल। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद शमी को कौन किए जा रहा है लगातार फोन। वर्ल्ड कप फाइनल के बहाने एयरलाइन और होटलों की लूट का खेल, और जीतने पर टीम इंडिया को मिलेगा कितना रोकड़ा, ये सब कुछ जानेंगे आज के एपिसोड में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। इंडिया 70 रनों से जीत गई और फाइनल्स की पहली दावेदार बन गई। मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद शमी, वो भी क्यों ना, पूरे 7 विकेट जो चटकाए थे। मैच के बाद इंडिया के फाइनल में पहुंचने से ज्यादा लाइमलाइट शमी ने बटोरी। जिस प्लेयर की इतनी चर्चा हो उससे ब्रांड्स कैसे दूर रह सकते हैं। खबर है कि इस मैच के बाद शमी के साथ साझेदारी के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स फोन पर फोन किए जा रहे हैं। इधर ब्रांड्स से डिमांड बढ़ी तो शमी ने भी अपना भाव बढ़ा दिया, वो भी सीधा डबल। इकोनॉमिक टाइम समेत कई बिजनेस साइट्स पर एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड कप से पहले शमी ब्रांड्स से एक डील करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए लेते थे, मगर अब ये फीस बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गई है। दरअसल प्लेयर्स और ब्रांड्स के साथ उनकी डील का हिसाब किताब कुछ खास तरह की कंपनियां देखती हैं। इन्हें एथलीट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। ऐसी ही एक कंपनी है फ्लेयर मीडिया, जो मोहम्मद शमी के ब्रांड्स डील का कामकाज देखती है। उसके फाउंडर सौराजीत चटर्जी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि खास तौर पर न्यूट्रिशन, हेल्थ, बेवरेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और हेडफोन सेगमेंट की कंपनियां इंक्वायरी कर रही हैं शमी के साथ डील करने के लिए। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 सप्ताह से हर दूसरे तीसरे दिन ब्रांड्स के फोन आ रहे हैं। कोई ब्रांड साल भर का ब्रांड एंडोर्समेंट करना चाहता है, तो कुछ ब्रांड्स सोशल मीडिया कोलैबोरेशन के लिए प्रपोजल दे रहे हैं। वैसे तो चटर्जी ने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए कि शमी एक एंडोर्समेंट के लिए कितनी फीस ले रहे हैं, मगर इंडस्ट्री के तीमारदारों ने मोटा मोटी एक अंदाजा दिया है। उसके हिसाब से वर्ल्ड कप के दौरान ही शमी की एंडोर्समेंट फीस 40-50 लाख रुपए से डबल होकर 1 करोड़ रुपए हो गई है। स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड पूमा, हेल एनर्जी ड्रिंक और विजन 11 फैंटेसी ऐप, ये ब्रांड्स पहले से ही शमी के साथ जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड कप में शमी के ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के बाद इन ब्रांड्स की तो मानो लॉटरी निकल पड़ी है। पूमा इंडिया ने लिखा, बड़ा अच्छा लगता है जब हम शमी को पूमा का जूता पहने हुए विकेट लेते हुए देखते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि शमी को लेकर ब्रांड्स में इतनी उत्सुकता क्यों है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शमी ने जिस तरह वर्ल्ड कप में जबरदस्त वापसी की है वो दिखाता है कि हमारे अंदर पेशेंस होना कितना जरूरी है। ब्रांड्स को शमी की यह स्टोरी अट्रैक्ट करती है। शमी की निजी जिंदगी में कुछ उठा पटक आए, उनकी बीवी ने कुछ आरोप लगाए, सड़क हादसे में कुछ चोटें आईं, उनके धर्म के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, मगर इन सब के बाद भी शमी ने जिस तरह वापसी की है वो काबिले तारीफ है। ऐसे प्लेयर से लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं। आज की तारीख में शमी सबसे बड़े फास्ट बॉलर बनकर उभरे हैं। सभी क्रिकेट फॉर्मेट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। उनका साहस, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, गेम में उनका कलेवर, सब कुछ लिट है। इस समय शमी घर घर में नाम बन चुके हैं, इसलिए ब्रांड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए शमी को अपने ब्रांड का फेस बनाना चाहती हैं। एक्सपर्ट्स ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया है कि वर्ल्ड कप बीतने के बाद शमी की फीस और ज्यादा बढ़ सकती है और ये जसप्रीत बुमराह के बराबर पहुंच सकती है। इस समय इंडियन बॉलर्स में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू अगर किसी बॉलर की है तो वो है जसप्रीत बुमराह। इसी तरह एक और कंपनी है अल्केमिस्ट ब्रांड कंसल्टिंग। उसके मैनेजिंग पार्टनर समित सिन्हा ने बिजनेस स्टैंडर्ड से ही बातचीत में बताया कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनकी फीस और बढ़ जाएगी, फिर भी ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे कम ही रहेगी। वजह क्या है? ब्रांड शुरू से बैटर्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। उदाहरण के तौर पर सन 1999 का मैच याद कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच। अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे, फिर भी उनकी ब्रांड वैल्यू सचिन तेंदुलकर जितनी नहीं बढ़ी। जानकारों ने बताया कि इंडिया में बॉलर से ज्यादा ब्रांड वैल्यू बैटर्स की है, इसलिए शमी की ब्रांड वैल्यू भी एक हद तक ही आगे बढ़ेगी। भाव हालांकि सिर्फ शमी के नहीं बढ़े हैं, वर्ल्ड कप देखना है, टिकट के अलावा 2 चीजें और लगती हैं, अहमदाबाद में रुकने को कमरा और पहुंचने के लिए एक सीट आसमान में। ऐसे में होटल मालिक और एयरलाइंस ने जितना कहर ढाया हुआ है, जितना ऊपर प्लेन उड़ता है टिकट उससे भी ऊपर पहुंच चुके हैं।
वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, लिहाजा अहमदाबाद में चहलकदमी बढ़ चुकी है। इस बीच हवाई टिकट के दाम ऐसे बढ़े हैं कि पूछना ही नहीं। टिकटों के दाम 10 गुना से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। टिकट प्राइसेस का आकलन करने के लिए हमने ईज माई ट्रिप पर एक कंपेरिजन किया। 18 नवंबर यानी फाइनल वाले दिन से एक दिन पहले दिल्ली अहमदाबाद की सबसे सस्ती और महंगी दोनों ही टिकट विस्तारा बेच रही है। सस्ती टिकट का दाम है 20,982 रुपए और महंगी टिकट 80,000 रुपए की है। 19 नवंबर यानी मैच वाले दिन की अगर फ्लाइट्स के टिकट के दाम देखें तो 11,000 की रेंज में ये सारे टिकट के दाम हैं, जो आगे के दिनों में घटते हुए 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 तक नीचे आ रहे हैं। वहीं यही हाल होटलों वालों का भी है। ये तो हो गई टिकट की बात, अब लोग भाग आ रहे हैं तो रुकेंगे भी, फिर होटल वाले बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे क्यों रहे। होटल कमरों का किराया बढ़ने की खबरें कई वेबसाइट्स पर पहले ही छप चुकी हैं। खासकर अच्छे होटल्स यानी 4 सितारा 5 सितारा के कमरों के दाम औसतन 10 गुना बढ़ गए हैं। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट नरेंद्र सोमानी ने ANI को बताया कि कल तक जो रूम 20,000 रुपए में बिक रहे थे वो 50,000 तक में मिल रहे हैं। कुछ जगह तो किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। हमने सोचा कि एक बार खुद भी फोन घुमाकर जरा पता करें कि भाई क्या हालचाल चल रहा है, तो मामला सही निकला। रात से ही आप जैसे देख रहे हो भारत में फाइनल में आ चुका है और इसका उत्साह पूरे देश में है, नहीं सिर्फ भारत में। आज लोग दुबई से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आना चाह रहे हैं ये मैच को देखने के लिए। तो कल रात से ही जो कल तक रूम 20,000 रुपए तक बिक रहे थे, आज 50,000 से 1.25 लाख रुपए आप साइट पे देख सकते हैं ये रूम के भाड़े हो गए हैं। क्योंकि आज जो यहाँ गुजरात के जो स्टेडियम की, अहमदाबाद के जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो 1,20,000 प्रेक्षकों की है, जिसमें करीब 30,000 से 40,000 लोग बाहर से आने की गिनती है। और यहाँ अहमदाबाद में रूम सिर्फ 5,000 रूम ही है और पूरे गुजरात में 3 स्टार से 5 स्टार के 10,000 रूम है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नहीं सिर्फ अहमदाबाद में, आसपास जैसे नड़ियाद है, आनंद है, बड़ोड़ा है, महसाना है, कलोल है, वहां तक की होटलें रूम्स फुल होने जा रहे हैं। और लोग कैसे भी करके यहाँ पहुंचना चाहते हैं, जिनको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है वो बाय रोड भी प्लान करके 18 तारीख तक रात को पहुंचने का प्लान कर रहे हैं। स्टेडियम के पास हयात होटल, उमैद अहमदाबाद एयरपोर्ट, रेनेसा, क्राउन प्लाजा और नोवोटेल कुछ जाने माने होटल्स के नाम है। नोवोटेल में रिजर्वेशन डेस्क में काम करने वाले हुजैफा ने लल्लन टॉप को बताया कि दाम सिर्फ 17 और 18 तारीख के लिए ही बढ़ाए गए हैं। ये होटल इन तारीखों को 65,000 से लेकर 90,000 रुपए तक के कमरे किराए पर दे रहे हैं। GST अलग से यानी करीबन 10 से 11,000 या 12,000 तक की GST और जोड़ लीजिए। 19 तारीख यानी मैच वाले दिन तो दाम यानी होटल का किराया 1 लाख के पार भी गया है, जबकि यही कमरे 2 दिन पहले तक आपको 7 से 8,000 रुपए तक में मिल रहे थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल चल रहा है। हमने ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ और होटलों के रेंट छाने। मेक माई ट्रिप पर 5 सितारा होटल हयात में 18 तारीख के लिए तो कमरा अवेलेबल ही नहीं है। मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट की है कि कमरों के दाम 24,000 रुपए से बढ़कर के 2,15,000 रुपए तक भी पहुंच गए हैं। भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान भी कुछ इसी तरह का आलम देखने को मिला था। वो मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इस बार का वर्ल्ड कप जीत गए तो इंडियन टीम के फैंस की बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात है कि खिलाड़ियों को क्या मिलेगा। बिना लाग लपेट के बताते हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने वाली टीम को 33 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। ICC के मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप 2023 के विजेता को $40 लाख की प्राइज मनी दी जाएगी। 17 नवंबर को रुपए में कैलकुलेट करें तो ये रकम मोटा माटी 33,30,70,000 के करीब बैठती है। वहीं फाइनल मुकाबले में हारने वाली टीम यानी रनर अप टीम को $20 लाख रुपए में कहें तो 16,65,25,800 रुपए मिलेंगे। सेमीफाइनल में जो टीमें हारी हैं उन्हें भी ICC करीबन 6.5 करोड़ रुपए का प्राइज मनी देगी और सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होने वाली 6 टीमों के लिए भी प्राइज मनी रखी गई है। इन टीमों को $1 लाख यानी तकरीबन 83,26,270 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रुप स्टेज में हर मैच जीतने पर टीमों को बतौर प्राइज मनी 33 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। खिलाड़ियों को पैसा मिलेगा, फैंस को खुशी, लेकिन एक बेचारी इकोनॉमी है। चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड कप से भारतीय इकोनॉमी को कितना फायदा मिलने जा रहा है। सवाल है कि इकोनॉमी को कुछ मिलेगा क्या? तो जवाब है बिल्कुल मिलेगा। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्टों ने एक अनुमान दिया था। वो कहता है इस टूर्नामेंट से भारतीय इकोनॉमी को 220 अरब रुपए की कमाई हो सकती है। वैसे तो सबसे ज्यादा फायदा ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को होने वाला है, ये हमने पहले भी बता ही दिया है, मगर इनके अलावा टिकट सेल्स, TV राइट्स और स्पॉन्सरशिप
टीम स्पेंडिंग, विदेशी और देसी टूरिस्ट, इवेंट मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग और फूड डिलीवरी, मर्चेंडाइज और दर्शकों के खर्चे, इन तमाम मदों को भी गिना गया है। टूर्नामेंट से सीधे भारतीय सरकार के जेब में भी पैसा आएगा। सरकार टिकट की बिक्री से लेकर होटल, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी पर टैक्स भी वसूलती है, इसलिए जितनी बिक्री होगी उतनी उसकी भी कमाई बढ़ेगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा ये बुलेटिन हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहे दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।